अहंकार एक ऐसा सूक्ष्म दोष है जो कब मन में प्रवेश कर जाता है पता ही नहीं चलता। स्वर्ग के राज्य की प्रभुता और अपार शक्ति का नशा इंद्र से सहा नहीं गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि सारे संसार को केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर दयावश इंद्र के अहंकार मर्दन का निश्चय कर लिया। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, परंतु बाल रूप में भोलेपन से पिता से पूछते हैं, बाबा आज सभी ने नए वस्त्र क्यों पहने हैं? ये इतनी साज सज्जा क्यों है? पिता से यह सुनकर कि इंद्र की पूजा होने वाली है, कृष्ण ने कहा, मैंने सुना है इंद्र तो एक विलासी देवता है, राजमहल में सदा मौज करता रहता है। पिता ने कहा, इंद्र देवताओं के राजा हैं, वो मेघ बरसाते हैं जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। अगर इंद्र की पूजा ना की तो उन्हें क्रोध आ जाएगा। कृष्ण ने कहा, भगवान तो वो होते हैं जो दयालु हों, क्षमाशील हों। कृष्ण कर्म मीमांसा करते हुए कहते हैं, हमारा भरण पोषण गोवर्धन पर्वत पर आश्रित है, अतः गोवर्धन हमारा ईष्ट है। हमें इंद्र यज्ञ की जगह गिरि यज्ञ करना चाहिए। सभी गोवर्धन यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। गोवर्धन स्वरूप श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाते हैं और सारे पकवान और नैवेद्य ग्रहण करते हैं। इंद्र अहंकार वश कुपित होकर सांवर्तक मेघ द्वारा भयंकर वर्षा करवाता है। भयंकर वर्षा और तूफान से ब्रजवासी और उनके घर डूबने लगते हैं। सभी कृष्ण सहित गोवर्धन पर्वत की ओर जाते हैं। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करके उन्हें बाएं हाथ की छोटी उंगली में 7 दिन और 7 रात्रि तक धारण करते हैं। सभी गोपाल अपनी गाय एवं बैलगाड़ी सहित गिरिराज का आश्रय लेते हैं। मुरली बजाते हैं और सभी ब्रजवासी कृष्ण भावामृत में नृत्य करते हैं। इंद्र का अहंकार बढ़ता जाता है और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। ब्रजवासी गिरधारी की शरण में निर्भय होकर गाते हैं, नृत्य करते हैं। अंतो गत्वा इंद्र का अहंकार टूट जाता है और वह प्रभु की शरण में जाता है। और जैसा कि श्री कृष्ण अत्यंत ही दयालु एवं क्षमाशील हैं, वह शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। वे इंद्र को क्षमा करते हैं व इंद्र को उनकी गलतियों का आभास कराते हैं। देव अहंकार जैसे विष को त्याग, हरि नाम रूपी अमृत को ग्रहण कर कृष्ण शरण में जाना ही परमानंद एवं समस्त पापों का नाश कर समस्त दुर्गुणों एवं शत्रुओं से रक्षा का स्रोत है। हरि बोल।